हेलो बच्चों, बीके सी आई चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा पहले भी मैं वीडियो डालता रहा हूँ, कक्षा 10 विज्ञान विषय में लेसन 3 धातु और अधातु के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें जो जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैं निकाल करके आप लोगों को समझाना चाहूँगा। धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो भी तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब धन विद्युतीय लक्षण उनका प्रबल होता है, उन्हें धातु कहते हैं। हम अपने पर्यावरण में इधर उधर बहुत सी धातुओं को देखते हैं, जैसे Al एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, Ag चांदी, Au सोना, Pt प्लेटिनम, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं धातुओं की? तो इसमें जो मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं, मुख्य गुण जो होते हैं, वो 5 मुख्य गुण यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। कोई भी धातु ले लें, हर एक धातु की एक अपनी चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक के कारण तांबा Cu भूरे रंग का दिखता है, सोना Au पीले रंग का दिखता है, चांदी Ag सफ़ेद होती है। और इन्हीं धात्विक चमक के कारण ऐसा होता है कि धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगर हम धातुओं के तार खींचें तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अच्छी तरीके से धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह सकती है। धातुओं की अगर कोई छड़ हो, अगर इसको एक सिरे को गर्म करें तो ऊष्मा चालन विधि द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी तक पहुंच जाती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, ये धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। Ag यानी सिल्वर चांदी और Au सोना सबसे अधिक सुचालक धातुएं होती हैं। धातुओं में मात्र एक धातु होती है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, उसका नाम Hg होता है या पारा कहते हैं। पारा Hg जो होती है ये द्रव धातु होती है, मतलब द्रवावस्था में पाई जाती है और बाकी की सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये जो धातुएं होती हैं ये मुलायम होती हैं। इन धातुओं को चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्षार धातुएं कहलाती हैं और ये बहुत मुलायम होती हैं और क्रियाशील भी बहुत अधिक होती हैं। धातुओं को पीटने पर ये टूटती नहीं है, पीटने पर ये चादर में परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात मतलब चोट पहुंचाने पर, वर्धनीयता बढ़ने का फैलने का गुण होता है। इसीलिए जब धातुओं को पीटा जाता है तो ये टूटती नहीं है,
ये चादर में परिवर्तित हो जाती हैं। एजी सिल्वर तथा एयू सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं होती हैं, मतलब आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है वो सिल्वर और सोना एयू में बहुत ही ज्यादा होता है। धातुओं को खींचकर पतले महीन तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगर हम धातुओं को खींचें और इनको तार में परिवर्तित कर दें तो बहुत लंबे लंबे तार बन जाते हैं, बहुत पतले तार बन जाएंगे और वो तार टूटेंगे नहीं। धातुओं की ये जो गुण होता है तार में परिवर्तित होने का, ये गुण कहलाता है तन्यता। टंगस्टन एक धातु होती है जिसका सिंबल जो होता है W होता है। ये सर्वाधिक तन्य धातु है, मतलब इस धातु के महीन से महीन, पतले से पतला तार खींचा जा सकता है। इसीलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग, जो पहले बल्ब आया करते थे विद्युत बल्बों में, एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता था। और टंगस्टन धातु की एक और विशेषता होती है कि इस टंगस्टन धातु का जो प्रतिरोध होता है ये भी बहुत अधिक होता है। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? जब किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो पिघलने लगता है। जिस ताप पर वो पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। और पिघली हुई धातु जिस ताप पर खौलने लगती है उसे क्वथनांक कहते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, जितने भी तत्व हैं वो भौतिक गुण भी रखते हैं और रासायनिक गुण भी रखते हैं। अभी तक जो हमने बात की तो उसमें भौतिक गुणों के बारे में बात की, और अब बात करना है हमको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर ऑक्साइड बनते हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं कम क्रियाशील होती हैं, लेकिन अधिकांशता यह होता है कि अगर धातुओं की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएं तो धातु ऑक्साइड बन जाते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों को क्षारीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर धातुओं के ऑक्साइडों को जल में घोला जाए तो ये क्षार में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे हमने 2Mg प्लस O2 लिया। 2Mg मतलब मैग्नीशियम के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु। इस अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। Mg की संयोजकता दो होती है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता दो होती है, तो एक Mg पे एक हो गया तो MgO बना, दूसरे Mg पे एक हो गया तो MgO बना। इस प्रकार से 2MgO बन गए। इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुओं की जल से क्रिया कराने पर H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे Ca धातु कैल्शियम धातु है, इसकी जल से क्रिया कराई गई, जल का सूत्र H2O होता है लेकिन रिएक्शन में हम HOH लिख लेते हैं तोड़ करके। एक Ca पे दो जल का प्रयोग करते हैं, HOH। यहाँ पे ये दोनों H परमाणु एक में निकल जाएंगे तो H2 बन जाएगा। अब एक OH, दो OH बचे। कैल्शियम की संयोजकता दो होती है, OH की संयोजकता एक होती है, इसलिए दो OH कैल्शियम पे जाएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, या इसी को चूने का पानी भी कहते हैं। धातुएं H2 गैस से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। जब धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे दो सोडियम परमाणु एक हाइड्रोजन अणु से क्रिया करते हैं तो एक सोडियम पे एक हाइड्रोजन और एक सोडियम पे एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से दो NaH सोडियम हाइड्राइड बन जाते हैं।
ये है सोडियम हाइड्राइड। जैसे कि ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की क्रिया के बाद ऑक्साइड बनते हैं, उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो हाइड्राइड बनते हैं। आगे धातुएं जो होती हैं ये अम्लों से भी क्रिया करती हैं। अम्ल क्षार जब लवण पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जो रिएक्शन वहां बताए थे उसी प्रकार से रिएक्शन यहां पर भी है। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस निकालती है। तनु का मतलब होता है कम सांद्र। दो Na, 2 Na, दो सोडियम परमाणु, सोडियम धातु होती है। HCl के दो अणु ले लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हम क्षार लवण जब बताया था तो हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है, और H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल होता है। ये जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों H परमाणु H2 में परिवर्तित हो जाते हैं और H2 गैस बाहर निकल जाती है। एक Na और एक Cl, एक NaCl बना, और एक Na और एक Cl, एक NaCl बना, इस प्रकार से दो NaCl बन जाते हैं। जिंक धातु की H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया होती है तो भी H2 गैस बाहर निकलती है। किस प्रकार से, Zn और SO4 एक में निकल जाता है, ZnSO4 बन जाता है। ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती हैं। जब कभी हम धातुओं की क्रिया कराते हैं तो हमें धातु क्लोराइड प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से, जैसे सोडियम का उदाहरण लेकर के हमने बताया, 2 Na लिया गया और एक Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया करें। एक क्लोरीन गैस से जब हम क्रिया कराते हैं तो एक Na और एक Cl, एक NaCl बन गया, और एक Na और एक Cl दूसरा NaCl बन गया। इस प्रकार से NaCl के दो अणु बन जाते हैं। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक और नाम होता है जो साधारण नाम होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में इसको नमक भी कहते हैं। जो नमक हम रोज भोजन में प्रयोग करते हैं वही सोडियम क्लोराइड होता है। कभी कभी इस बात को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि साधारण नमक का सूत्र और वैज्ञानिक नाम बताओ, तो वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा और उसका सूत्र NaCl होगा। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, अभी जब हम धातुओं के रासायनिक गुण आपको बता रहे थे तो हम बता रहे थे कि धातु अलग अलग धातुएं अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता रखती हैं। धातुओं की क्रियाशीलता एक बात पर निर्भर करती है कि उस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कितनी है। जिस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होती है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये धनायन बनाते हैं, इसलिए इनकी इस प्रवृत्ति को धन विद्युतीय लक्षण भी कहते हैं। जिन धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ज्यादा होता है वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं, और जिन धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण कम होता है वो कम क्रियाशील होती हैं। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी ये इस प्रकार से श्रेणी बनाई जाती है कि धातु कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और उसकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की एक श्रेणी में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी तैयार होती है। ऐसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे बहुत सी धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं एक श्रेणी में लिखी गई। यहां पर गौर करने की बात है, पोटेशियम ये
ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, इसका अर्थ यह है कि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है सोडियम से। सोडियम जो है वो ज्यादा क्रियाशील है कैल्शियम से, और कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है जिंक से, और जिंक ज्यादा क्रियाशील है एफी यानी लोहे से, और एफी ज्यादा क्रियाशील है स्टेनस से, और स्टेनस ज्यादा क्रियाशील है पीबी लेड से, और लेड ज्यादा क्रियाशील है एच यानी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये क्या है अधातु। यहां पे एच जो है ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, सीयू से, और सीयू ज्यादा क्रियाशील है एचजी से, एचजी ज्यादा क्रियाशील है एजी से, और एजी ज्यादा क्रियाशील है एयू से। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी प्राप्त हुई ये क्या है सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखें तो पोटेशियम धातु जो होती है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, और एयू यानी सोना जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील होता है। सक्रियता श्रेणी के कुछ गुण हैं, सक्रियता श्रेणी के कुछ गुण हैं जैसे कि इन गुणों के आधार पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और देख करके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये प्रश्न अगर सक्रियता श्रेणी आपको याद है, जैसे ये वाली सक्रियता श्रेणी है सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एफी एस एन पी बी एच सी यू एच जी ए जी ए यू, इसको रटना पड़ेगा। और सक्रियता श्रेणी के गुण क्या होते हैं कि यच, देखो बीच में यच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाई तरफ के जितने भी यहाँ पे धातुएं हैं ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अर्थात हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बात की जो धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। जैसे यहाँ रिएक्शन करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से धातुएं हाइड्रोजन को, कौन सी धातुएं विस्थापित करेंगी और कौन सी धातुएं विस्थापित नहीं कर पाएंगी। Zn प्लस HCl, HCl के दो अणु लिए गए। जिंक जो है हाइड्रोजन के बाई ओर है, देखो जिंक यहां है और हाइड्रोजन यहां है, तो इसका अर्थ यह हुआ जिंक ज्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा जिंक के द्वारा। कैसे, यहां पर H और H दोनों परमाणु मिल जाएंगे और बना लेंगे H2। Zn पे Cl, Cl चला जाएगा तो बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। लेकिन यही क्रिया अगर दूसरे तरीके से करें कि Cu प्लस HCl, HCl दो HCl लें, तो Cu जो है वो HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर Cu जो है हाइड्रोजन के दाहिनी तो तरफ है, इसका अर्थ ये हुआ कि Cu कम क्रियाशील है और हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, तो Cu जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अब क्रिया में H2 नहीं निकलेगी। बाईं ओर की धातु दाईं ओर की धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देगी। अब ये सारी धातुएं हैं, अब इन धातुओं में अगर किसी धातु का कोई लवण है तो उस लवण से उस धातु को कौन सी धातु विस्थापित करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो इस पे ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या ये अपक्रिया संभव है या अपक्रिया संभव नहीं है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे, यही दूसरे पॉइंट के आधार पे हम दे सकते हैं कि अगर धातु
बाई ओर है तो दाई ओर की धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित कर देगी, क्योंकि बाई ओर की धातु जो है ज्यादा क्रियाशील होगी और दाई ओर की धातु जो होगी वो कम क्रियाशील होगी। जैसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एक लवण है, धातु लवण है, और इसकी क्रिया 2Na से कराई गई, सोडियम से कराई गई, तो सोडियम Ca को विस्थापित कर देगा। रीजन इसका यह है कि कैल्शियम दाहिनी ओर है, किसके? सोडियम के। तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, कैल्शियम कम क्रियाशील है, तो सोडियम कैल्शियम को हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। जैसे CaSO4 है, 2Na से क्रिया कराएंगे तो SO4 जो है ये चला जाएगा 2Na के पास, तो Na2SO4 बन जाएगा, और ये कैल्शियम जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन यही क्रिया अगर दूसरी हो, दाहिनी ओर का धातु लवण जो होगा, दाहिनी ओर की धातु जो होगी वो बाईं ओर के धातु के लवण से उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाईं ओर की धातु जो है ज्यादा क्रियाशील होती है। इसी संदर्भ में धातुओं के संक्षारण, एक शब्द आता है धातुओं का संक्षारण, और इस शब्द को सुन करके थोड़ा गेस करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस बारे में पूछ रहा है। धातुओं में एक गुण होता है कि ये नम वायु से बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है। नम वायु के संपर्क में आने पर धातुओं की सतह के परमाणु जो होते हैं क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय भी होते हैं और धातु ऑक्साइड भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ यह होता है कि चोट पहुंचाने पर ये टूट जाते हैं, आसानी से टूट कर बिखर जाने वाले होते हैं, धातु ऑक्साइड टूटते रहते हैं तथा सतह से टूटकर निकलते रहते हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण से धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे के दरवाजे, लोहे के कोई भी सामान घर में आया होगा तो देखा होगा, लोहे का वैसे तो धात्विक चमक जो होती है वो काले रंग की होती है, लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, लोहे के वस्तुओं के ऊपर भूरे रंग का पाउडर जमा होने लगता है। वो भूरे रंग का पाउडर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, और ये आयरन ऑक्साइड या जंग जो बन के तैयार होती है, उसका रीजन ये होता है कि बरसात के दिनों में वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी होती है और उस नमी के कारण धातु के जो परमाणु होते हैं उस नमी से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं, और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, और धीरे धीरे इस प्रकार से धातु हमारी टूट टूट कर निकलती रहती है और हमारी धातु खराब होती रहती है, धातु की वस्तुएं नष्ट होती रहती हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे धातु के नष्ट होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण हो रहा है तो संक्षारण कैसे रोकेंगे, क्योंकि धातु नष्ट होना हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, संक्षारण रोकने के लिए गैल्वनीकरण करते हैं। गैल्वनीकरण अभिक्रिया यह क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, कोई धातु है, धातु की वस्तु है, उस धातु की वस्तु के ऊपर अन्य धातु जो कम क्रियाशील धातु है उसकी परत चढ़ा दी जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। मिश्र धातु बनाना, कोई धातु ज़्यादा क्रियाशील है तो वो संक्षारित होती रहती है, लेकिन उसके साथ में कोई कम क्रियाशील धातु मिला दी जाती है तो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, और मिश्र धातु बन जाने पे क्या होता है, उसका संक्षारण कम हो जाता है। कुछ और क्रियाएं हैं जो हम लोग घर पे करते रहते हैं, जैसे लोहे की या धातुओं की कोई भी वस्तु लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, वार्निश लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं,
या और ग्रीस, ग्रीस जो है ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, और इन पदार्थों को इसीलिए लेपित किया जाता है कि वायुमंडल की जो नमी है उस नमी के संपर्क में हमारी धातुएं ना आ पाएं और हमारी धातुएं संक्षरण से बच जाएं। आज के वीडियो में हम आपको बताए हैं धातुओं के बारे में। मन लगा के पढ़िए, हतोत्साहित बिल्कुल ना होइए। स्कूल बंद चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ाता रहूँगा। और ये पिछली बार भी बोला था, अभी बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को मेरे चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे मेरी मेहनत जो है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अधातुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।